गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं था मंडे नाइट रॉक एपिसोड और गाइस इस वीडियो में बात करेंगे आज के रॉक एपिसोड के बारे में कैसा था शो, सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस शो की स्टार्टिंग होती है हमारे WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर से, और मैकइंटायर यहाँ पर कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन को शुक्र मनाना चाहिए कि क्लेमोर किक से उसका जबड़ा ही सिर्फ टूटा, जबड़ा शरीर से नहीं बाहर निकल गया, जिसका वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं हम दोनों एम्बुलेंस में काफ़ी बार चक्कर लगा चुके हैं, तो क्यों ना हम क्लैश ऑफ चैंपियंस में एक एम्बुलेंस मैच करें। जिसके वो गाइज वो ऐसी फोटो दिखाते हैं जैसे रैंडी ऑर्टन ने कुछ हफ्ते पहले दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के बजाय ड्रू मैकइंटायर ने जिन लोगों का क्लेमोर किक से शिकार किया उनकी फोटो हमें देखने को मिलती है। जिसके बाद हमें एडम पियर्स बाहर आते हुए दिखाई देते हैं जो कि बताते हैं कि रैंडी ऑर्टन हो सकता है क्लैश ऑफ चैंपियंस तक फिट ना हो, इसलिए अगर तुम्हें आज कीथ ली हरा देता है तो उसे टाइटल शॉट मिलेगा तुम्हारे खिलाफ एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। जो कीथ ली बाहर आते हैं और हमें देखने को मिलता है दोनों सुपरस्टार के बीच एक कन्फ्रंटेशन। उसके बाद गाइस हमें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप प्रॉफिट्स वर्सेस सिजारो एंड नाकामुरा जो भी होते हैं स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस, इनके बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलता है। अब गाइस ये मैच काफ़ी बढ़िया था, लेकिन गाइस अगर हम बात करें मैच के रिजल्ट की तो हमें देखने को मिलता है कि सिजारो पर फ्लॉक स्प्लैश लगाते हैं एंजेलो डॉकिंस और पिन कर वो इस मैच को जीत लेते हैं। और पता नहीं WWE श्री प्रॉफिट्स को क्यों जितवा रही, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पर सिजारो एंड नाकामुरा को जीतना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर WWE ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को जिता दिया और अपने ही चैंपियंस को यहाँ पर कमज़ोर भी दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ बात करने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं WWE अपनी टैग टीम डिवीजन को सुधारने तो नहीं वाली। उसके बाद जैसे में हम देखने को मिलता हर्ट बिजनेस यहाँ पर सभी की निगाह थी सेड्रिक अलेक्जेंडर पर, और अलेक्जेंडर यहाँ पर कहते हैं कि सभी लोग मुझे बोल रहे थे सोशल मीडिया पर कि तुमने रिकोशी और अपोलो क्रूज का धोखा दे दिया। उसके बाद कहते हैं कि मैं वही करूँगा जो मेरे फ़ायदे में होगा, और मेरे फ़ायदे में था हार्ट बिजनेस के साथ आना। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अपोलो क्रूज और रिकोशी बाहर आते हैं जो कि कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है। जिसके वो कहते हैं यहाँ पर हम तुम्हारे साथ ये करने नहीं आए, तुम हम पर वापस आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, लेकिन हम तुम्हें मजा चखाने आए। जिसके बाद हमें सैटरडे अलेक्जेंडर वर्सेस रिकोशी के बीच मैच देखने को मिलता है, और गाइस इनके मैच के दौरान हमें देखने को मिलता है कि एरिक आकर अटैक कर देते हैं बॉबी लैशली पर, जिसके वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और हमें इन दोनों का मैच देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मैच था। और इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो हमें देखने को मिलता है लंबर चेक लगाकर इस मैच को सैडरिक अलेक्जेंडर जीत लेते हैं। इनका इस मैच खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलते हैं रेट्रीब्यूशन के लोगो सामने आते हैं जिसके अब बत्तियाँ बुझती हैं, और हमें टाइटन ट्रॉन स्क्रीन पर देखने को मिलती है रेट्रीब्यूशन, और यहाँ पर वो काफ़ी अजीब अजीब से क्रिप्टेड सा प्रोमो कट करते हैं जो कि मेरे ज़्यादा समझ में तो आया नहीं। लेकिन उसके बाद बैक स्टेज में देखने को मिलता है कि हर्ट बिजनेस एडम पियर्स से कहती है कि तुम सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी हमें दे दो, और एडम पियर्स उनके साथ हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद मिकी जेम्स वर्सेस आस्का के बीच रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है जो कि आप कह सकते हैं ठीक ठाक सा मैच था। और गाइस इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आस्का लॉक में लगा देती है आस्का मिकी जेम्स को, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या होता है कि रेफरी स्टॉप कर देता है इस मैच को, और वो कहता है कि इस मैच को जीत चुकी है आस्का। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि ज़ेलिना वेगा बाहर आती हैं जो कि यहाँ पर बेसिकली चैलेंज कर देती हैं आस्का को, और उसके बाद उन्हें चमाड़ लगाकर यहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि WWE को आस्का को देने के लिए कोई अपोनेंट है ही नहीं, और उन्हें रैंडमली ज़ेलिना वेगा के साथ फ्यूड में डाला है, लेकिन देखते हैं आगे WWE इनके साथ क्या करती है। उसके बाद गाइस हमें एरिक वर्सेस बॉबी लैशली के बीच नॉन टाइटल मैच देखने को मिलता है, और गाइस इस मैच में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं, बॉबी लैशली यहाँ पर सबमिशन मूव लगाकर इस मैच को जीत लेते हैं। उसके बाद गाइस हमें बैक स्टेज सेथ रॉलिंस मर्फी देखने को मिलते हैं जहाँ पर सेथ रॉलिंस पहले तो मर्फी से प्यार से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका चेहरा पकड़ के जोर से कहते हैं कि अगर तुम मेरे मैच में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से वो मर्फी को डांटते हैं। और मेरे हिसाब से तो यार मर्फी को अटैक कर देना चाहिए अब सेथ रॉलिंस पर, क्योंकि भाई कितनी देर तक उनके तलवे चाटेगा। नेक्स्ट हमें स्टील के मैं देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस और डोमिनिक के बीच, और गाइस डोमिनिक को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी। और गाइस अगर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा कमाल था, दोनों सुपरस्टार की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। लेकिन गाइस इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि मर्फी आ जाते हैं सेथ रॉलिंस की मदद करने, लेकिन गलती से वो जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो सेथ रॉलिंस का सिर भी चुमा जाता है, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस इस मैच को जीते जीते रह जाते हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डोमिनिक अटैक कर देते हैं स्टील केज के ऊपर से मर्फी पर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस फाइनली जैसे तैसे करके इस मैच को दो कर्व स्टॉर्म लगाने के बाद जीत लेते हैं, और मैच खत्म होने के बाद वो रिंग से बाहर जा रहे होते हैं। तभी सेथ रॉलिंस का असली रंग आता है बाहर, और वो मर्फी पर खूब अटैक करते हैं, जिसके मर्फी वहीं पर गिरे रहते हैं, और हमें रिंग के अंदर डोमिनिक की फैमिली उनके पास चली जाती है। उसके बाद गाइस हमें रॉन्ड ग्राउंड पर ब्रॉन स्ट्रोमन देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर ब्रांड टू ब्रांड इन्विटेशन का फायदा उठाकर आते हैं, और गाइस यहाँ पर आकर वो डॉल्फ ज़िगलर रैंडी मॉस और टाइटस ओ'नील जैसे सुपरस्टार की तो पूरी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। जिसके बाद उनका असली मुकाबला होता है डब्बा काटू से, लेकिन इन दोनों की फाइट होने वाली होती है, लेकिन शेन मैकमैन बीच में आ जाते हैं
जो कि इस फाइट को नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंस कर देते हैं। इसके अलावा गाइस हमें बैक से देखने को मिलता है कि कीथ ली और ड्रू मैकइंटायर के बीच एकदम जमकर ब्रॉल होती है। उसके अलावा गाइस नेक्स्ट मैच की बात करें जो कि हमें केविन ओवेंस वर्सेस एलिस्टर ब्लैक के बीच देखने को मिलता है। और गाइस मैच शुरू होने से पहले एलिस्टर ब्लैक केविन ओवेंस पर अटैक करते हैं। और गाइस इस मैच की बात करें तो ये ठीक ठाक सा मैच था। और लेकिन गाइस अगर हम बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो हमें देखने को मिलता है कि रेट्रीब्यूशन जैसे आती है वैसे लाइट फ्लिकर होती है, लेकिन यहाँ पर रेट्रीब्यूशन तो आती नहीं है। और केविन ओवेंस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हैं एलिस्टर ब्लैक की और गाइस टर्नर मारकर वो इस मैच को जीत लेते हैं। हम मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्लैक को जीतना चाहिए था क्योंकि वो नए नए वेले हील बने, उन्हें मोमेंटम की जरूरत है। लेकिन देखते हैं आखिर इनके साथ WWE क्या करती है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच लाना एंड नटालिया वर्सेस राइट स्क्वाड के बीच। और गाइस इस मैच को राइट स्क्वाड जीत लेता है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो रिंग से बाहर जा रहे होते हैं तभी कमेंट्री टीम से उठकर आते हैं नाया जैक्स और शीना बेजलर, जो कि नटालिया और लाना पर अटैक करते हैं। और गाइस लाना को तो यहाँ पर टेबल पर भी पटक देते हैं। और गाइस ये सब इसलिए है क्योंकि हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस में राइट स्क्वाड वर्सेस नाया जैक्स एंड शीना बेजलर के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है। बाद गाइस मेन इवेंट की बात कर ली जहाँ पर हमें ड्रू मैकइंटायर और कीथ ली का मैच देखने को मिलता है। और गाइस ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, दोनों सुपरस्टार की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी। लेकिन गाइस मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि लाइट ऑफ होती है और तभी हम पर रेट्रीब्यूशन आ जाती है। और गाइस काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स देखने को मिलते हैं हमें रेट्रीब्यूशन के, लेकिन गाइस वो यहाँ पर अटैक कर देते हैं ड्रू मैकइंटायर और कीथ ली पर। और ये दोनों फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर नंबर गेम्स का फ़ायदा उठा लेती है रेट्रीब्यूशन, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि न्यू सिक्योरिटी इंचार्ज जो कि हर्ट बिजनेस वो बीच में आ जाते हैं और वो मदद करने की कोशिश करते हैं और अटैक करते हैं रेट्रीब्यूशन पर। लेकिन यहाँ पर उनसे भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि ड्रू मैकइंटायर और कीथ ली टॉप रोप से स्प्लैश लगाते हैं और सभी को नीचे दफन कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों सुपरस्टार स्टैंड डाउन करते हैं और इस तरीके से रॉ का एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस ओवरऑल रॉ के एपिसोड की बात करें तो आज का रॉ का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रैंडी ऑर्टन इस एपिसोड में देखने को मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा एपिसोड आप इसे ज़रूर करेंगे। एंड गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइस इस वीडियो को लाइक की बना तो कहीं मत जाना और कमेंट करके आप मुझे बताना आपके क्या थॉट्स हैं रॉ के एपिसोड को लेकर। और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।